नमस्कार, मैं हरीश कुमार। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं मानचित्रों के प्रकार को। इससे पहले के लेक्चर में हमने मानचित्रों का अर्थ, परिभाषा और संकल्पनाओं को कवर किया था। हम अपने लेक्चर में कार्टोग्राफी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर कर रहे हैं, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे नेट GRF, UP TGT PGT, UP GDC GIC में लाभदायक होने वाला है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, मानचित्रों के प्रकार, क्लासिफिकेशन ऑफ मैप्स। मानचित्रों का वर्गीकरण मुख्यतः चार आधारों पर किया जाता है। मापनी के अनुसार मानचित्रों के प्रकार, विषय वस्तु तथा उद्देश्य के अनुसार मानचित्रों के प्रकार, स्थलाकृतिक लक्षणों की मात्रा के अनुसार मानचित्रों के प्रकार, रचना शैली के अनुसार मानचित्रों के प्रकार। अर्थात मापनी, विषय वस्तु तथा उद्देश्य, स्थलाकृतिक लक्षणों की मात्रा तथा रचना शैली के अनुसार हम मानचित्रों का वर्गीकरण करते हैं। आगे हम विस्तार से एक एक करके इस पर चर्चा करेंगे। मापनी के अनुसार मानचित्रों का वर्गीकरण। मापनी के अनुसार मानचित्रों को बड़ी मापनी तथा छोटी मापनी वाले मानचित्रों में बांटा जाता है। सबसे पहले हमें बड़ी मापनी तथा छोटी मापनी को समझना होगा। मापनी क्या होती है? मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी तथा धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी के अनुपात को मापनी कहते हैं। उदाहरण के लिए वाराणसी और आजमगढ़ के बीच की वास्तविक दूरी 100 किलोमीटर है और उत्तर प्रदेश के मानचित्र पर इनकी दूरी को 1 सेंटीमीटर से प्रदर्शित किया जा रहा है। तो मानचित्र की मापनी 1:100 होगी, मगर अंश और हर एक ही इकाई में होता है, इसलिए मानचित्र की मापनी 1:10 करोड़ होगी, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए 100 किलोमीटर में 10 करोड़ सेंटीमीटर होंगे। अर्थात मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल के 10 करोड़ सेंटीमीटर की दूरी को दिखा रही है। अब बड़ी मापनी और छोटी मापनी को समझते हैं। माना दो मानचित्र हैं, ए ए और बी। ए की मापनी 1/1000 है और बी की मापनी 1/1 लाख। यहाँ ए की मापनी बड़ी मापनी है जबकि बी की मापनी छोटी है। ए मानचित्र पर एक इकाई की दूरी धरातल के 1000 इकाइयों की दूरी को प्रदर्शित कर रही है, जबकि बी मानचित्र में एक इकाई की दूरी धरातल के 1 लाख इकाइयों को दिखा रही है। जब हम मापनी के लेक्चर पर आएंगे तो इसे और विस्तार से समझा जाएगा। बड़ी मापनी के मानचित्र बृहद मापक, लार्ज स्केल पर बनाए जाते हैं। इनमें भू संपत्ति मानचित्र, कैडास्ट्रल मैप तथा स्थलाकृतिक मानचित्र, टोपोग्राफिकल मैप शामिल हैं, जबकि छोटी मापनी के मानचित्र लघु मापनी, स्मॉल स्केल पर बनाए जाते हैं। इनमें दीवारी मानचित्र या वॉल मैप तथा एटलस मानचित्र, एटलस मैप को सम्मिलित किया जाता है। पहला है भू संपत्ति मानचित्र, कैडास्ट्रल मैप। कैडास्ट्रल शब्द फ्रांसीसी भाषा के कैडास्टर से लिया गया है, जिसका अर्थ संपत्ति रजिस्टर है। इन्हें बृहद मापनी पर बनाया जाता है, जैसे 1:3960 या 16 इंच = 1 मील, या 1:1980 या 32 इंच = 1 मील तक। बृहद मापनी पर बनाए गए नगरों के ऐसे प्लान जिनमें मार्ग, मोहल्ले, बाजार वह नागरिकों के भवनों की सीमाएं अंकित हों, अथवा किसी ग्राम का मानचित्र जिसमें खेतों की सीमाएं, मार्ग, जलाशय, कुएं, पूजा घर, सार्वजनिक स्थान और व्यक्तिगत निवास गृहों को प्रदर्शित किया गया हो, भू संपत्ति मानचित्र कहे जाते हैं। ये सरकारी मानचित्र होते हैं और राजस्व लेखपाल या पटवारी जैसे सरकारी व्यक्तियों के पास ही होते हैं। ये सरकार द्वारा लगान तथा भवन कर, प्रॉपर्टी टैक्स आदि वसूलने के लिए अथवा भूमि संबंधी विवादों को हल करने के लिए बनाए जाते हैं। दूसरा है स्थलाकृतिक मानचित्र, टोपोग्राफिकल मैप। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अनुसार भारत
पर्याप्त मात्रा में बड़ी मापनी पर बना कोई मानचित्र जिसमें अंकित प्रत्येक लक्षण की आकृति एवं स्थिति को देखकर उसे धरातल पर पहचाना जा सके, स्थलाकृतिक मानचित्र कहलाता है। 1 इंच = 4 मील अथवा एक संबंधे 2.5 लाख शीट या इससे बड़ी मापनी पर बने मानचित्रों को स्थलाकृतिक मानचित्र कहते हैं। भू संपत्ति मानचित्र भी बृहद मापनी पर बने होते हैं, परंतु वे स्थलाकृतिक मानचित्र से भिन्न हैं। भू संपत्ति मानचित्रों में व्यक्तिगत क्षेत्रों एवं भवनों की सीमाएं अंकित होती हैं, जबकि स्थलाकृतिक मानचित्रों में प्रमुख स्थलाकृतिक लक्षणों, उच्चावच, प्रवाह प्रणाली, जलाशयों, वनों, दलदलों, नगरों, ग्रामों और परिवहन मार्गों को प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि समुच्च रेखाओं द्वारा ढलान को प्रदर्शित किया गया है, बीच में यहाँ हिल है और इसका ढलान, इस समुच्च रेखाएं पास पास खींची गई हैं, तो ये तीव्र ढलान को व्यक्त कर रहा है। ढलान जो है इस साइड है, बीच में यहाँ हिल है और समुच्च रेखाएं यहाँ भी पास पास में हैं और यहाँ भी तीव्र ढलान स्थित है। इस मानचित्र के बीच में एक नदी प्रवाहित हो रही है, बीच बीच में झीलें भी दिख रही हैं। नदी के समानांतर एक रेलवे ट्रैक दिख रहा है हमको। इस रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ मानव बस्तियां भी दिख रही हैं। नगर का बसाव इस मानचित्र के केंद्र में स्थित है, अर्थात इस मानचित्र में अंकित लक्षणों की आकृति एवं स्थिति को देखकर हम धरातल की पहचान कर सकते हैं। इस तरह के मानचित्र को स्थलाकृतिक मानचित्र कहते हैं। भौगोलिक मानचित्र, जियोग्राफिकल मैप। एक संबंधी 2.5 लाख प्रदर्शक भिन्न से छोटी मापनी वाले मानचित्रों को भौगोलिक मानचित्र कहा जाता है। भौगोलिक मानचित्र इतनी छोटी मापनी पर बना होता है कि उसमें व्यक्तिगत लक्षणों का धरातल पर पहचान हेतु निरूपण करना असंभव होता है। दीवारी मानचित्र और एटलस मानचित्र को भौगोलिक मानचित्र की श्रेणी में रखा जाता है। दीवारी मानचित्र या वॉल मैप। दीवारी मानचित्रों की मापनी एटलस मानचित्रों की मापनी से बड़ी परंतु स्थलाकृतिक मानचित्रों की तुलना में छोटी होती है। स्कूल एवं कॉलेज आदि में दीवारों पर लटकाए जाने के कारण इन्हें दीवारी मानचित्र या वॉल मैप कहा जाता है। समस्त पृथ्वी अथवा किसी महाद्वीप या देश अथवा उसके किसी छोटे भाग जैसे राज्य, जनपद या तहसील आदि को प्रदर्शित किया जाता है। इन मानचित्रों के द्वारा संबंधित क्षेत्र के स्थल रूपों, जलवायु की दशाओं, मिट्टियों के प्रकार, खनिजों के वितरण, वनस्पति के प्रकार, जनसंख्या का वितरण, परिवहन मार्गों एवं आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक प्रतिरूपों को दिखलाया जाता है। दीवारी मानचित्र आवश्यकतानुसार भिन्न भिन्न आकारों में बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा बनाए गए दीवारी मानचित्रों की मापनियाँ 1 संबंधे 1.5 करोड़ से 1 संबंधे 25 लाख तक होती हैं। एटलस मानचित्र, एटलस मैप। एटलस के मानचित्र प्राय 1 संबंधे 20 लाख से छोटी मापनी पर बनाए जाते हैं। मानचित्रों की निरूपक भिन्नों में पर्याप्त अंतर मिलता है। उदाहरण के लिए ऑक्सफोर्ड एटलस में संसार के मानचित्रों को 1 संबंधे 110 मिलियन पर, महाद्वीपों के मानचित्र 1 संबंधे 16 मिलियन से 1 संबंधे 32 मिलियन तक की मापनियों पर बनाया गया है। इसी प्रकार भारत की राष्ट्रीय मानचित्रावली नेशनल एटलस ऑफ इंडिया का अंग्रेजी संस्करण 1 संबंधे 10 लाख मापनी पर तैयार हुआ है। इसके विपरीत ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस में संसार के लिए 1 संबंधे 132 मिलियन से 1 संबंधे 48 मिलियन तक निरूपक भिन्नों का प्रयोग किया गया है। एटलस मानचित्रों द्वारा दर्शाए गए लक्षणों में उच्चावच, जल प्रवाह, वनस्पति, मृदा, फसलें, खनिज, उद्योग, परिवहन, जनसंख्या, नगर आदि होते हैं। मापनी छोटी होने के कारण ये मानचित्र केवल प्रमुख लक्षणों को ही दर्शाते हैं। एटलस के द्वारा हमारे लिए किसी देश, महाद्वीप या पूरे विश्व के विभिन्न तत्वों के वितरण को एक नज़र में देखना संभव हो जाता है। जैसा कि इस
एटलस मानचित्र में हम ग्लोबल सॉइल रीजन्स को एक नज़र में देख पा रहे हैं। स्थलाकृतिक लक्षणों की मात्रा के अनुसार मानचित्रों के प्रकार, इसमें इनको दो प्रकारों से बांटा जाता है, उच्चतादर्शी मानचित्र हिप्सोमेट्रिक मैप्स और प्लेनीमेट्रिक मानचित्र प्लेनीमेट्रिक मैप्स। इसमें पहला है उच्चतादर्शी मानचित्र हिप्सोमेट्रिक मैप्स। उच्चतादर्शी मानचित्रों में स्थलाकृतिक लक्षणों टोपोग्राफिकल फीचर्स तथा उच्चावच रिलीफ के निरूपण पर विशेष बल दिया जाता है। विभिन्न देशों के सर्वेक्षण विभागों के द्वारा बनाए गए स्थलाकृतिक मानचित्र जिनमें हैश्वर प्रणाली समुच्च रेखाओं तल चिन्हों तथा स्थानिक ऊंचाइयों आदि की सहायता से उच्चावच प्रदर्शित किया जाता है उच्चतादर्शी मानचित्र के उदाहरण हैं, जैसे कि इस चित्र में विभिन्न रंगों द्वारा उच्चावच को प्रदर्शित किया गया है। ये डार्क ब्लू से समुद्र के गहरे भागों को दिखाया गया है, लाइट ब्लू से तटवर्ती इलाकों को या सी लेवल को दिखाया गया है, ग्रीन से लैंड को दिखाया गया है स्थलीय भाग को, और धीरे धीरे जो है उच्चावच बढ़ता जाता है, और ब्राउन कलर से डार्क ब्राउन से माउंटेन रेंज को दिखाया गया है। हम दूसरे चित्र में देखेंगे कि इसे इन कलरों के माध्यम से हमको पता चलेगा कि ढलान किधर है। ये ब्लू भाग है, ये समुद्री भाग है, ये ग्रीन है, लाइट ग्रीन है मतलब स्थलीय भाग है, और ये जो ब्राउन दिख रहा है आपको, ये ब्राउन भाग जो है ये माउंटेन रेंज है। बीच में येलो भाग है मतलब कि घाटी का हिस्सा आ गया है, और ये अंततः समुद्र में आके मिल गया है। अर्थात इस विभिन्न रंगों के माध्यम से हम इस उच्चावच को पहचान सकते हैं। ऐसे मानचित्रों को हम उच्चतादर्शी मानचित्र कहते हैं। दूसरा है प्लेनीमेट्रिक मानचित्र। इन मानचित्रों में सांस्कृतिक आर्थिक लक्षणों पर बल दिया जाता है, जैसे इस मानचित्र में सड़क, सार्वजनिक स्थल, कारखाने और निवास स्थान जैसे सांस्कृतिक आर्थिक लक्षणों को प्रधानता से प्रदर्शित किया गया है। जैसे मान लेते हैं कोई टोपोग्राफिकल मैप है, टोपोग्राफिकल मैप में हम स्थलाकृतिक लक्षणों उच्चावच प्रवाह प्रणाली वनों नगरों ग्रामों को प्रदर्शित करते हैं, मतलब किसी क्षेत्र के भौतिक और सांस्कृतिक दोनों लक्षणों को दिखलाया जाता है। परंतु अगर हम मानचित्र पर केवल सांस्कृतिक लक्षणों को प्रदर्शित करें तो वह प्लेनीमेट्रिक मानचित्र कहलाएगा, मतलब केवल सड़क रेलवे लाइन निवास स्थान कारखाने आदि को प्रदर्शित करें। अर्थात जिन मानचित्रों में स्थलाकृतिक लक्षणों के बजाय सांस्कृतिक एवं आर्थिक तत्वों के निरूपण को प्रधानता दी जाती है उन्हें प्लेनीमेट्रिक मानचित्र कहते हैं। सांस्कृतिक अथवा आर्थिक प्रतिरूपों का वितरण दिखलाने वाले अधिकांश थीमेटिक मानचित्र प्लेनीमेट्रिक होते हैं। उद्देश्य या विषय वस्तु के अनुसार मानचित्रों के प्रकार, इसमें कई प्रकार के मानचित्रों को सम्मिलित किया गया है, जैसे भौतिक मानचित्र, जनसंख्या व बस्ती मानचित्र, सामाजिक सांस्कृतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, ऐतिहासिक मानचित्र, सैनिक मानचित्र, आर्थिक मानचित्र। आर्थिक मानचित्रों में भी कई प्रकार के मानचित्र हैं, जैसे भूमि उपयोग मानचित्र, परिवहन मानचित्र, कृषि मानचित्र, औद्योगिक मानचित्र। इसी प्रकार भौतिक मानचित्र में भी कई प्रकार के मानचित्रों को सम्मिलित किया गया है, खगोलीय मानचित्र, समदिक्पाती मानचित्र, भूकंपीय मानचित्र, भूवैज्ञानिक मानचित्र, उच्चावच मानचित्र, जलवायु व मौसम मानचित्र, महासागरीय मानचित्र, अपवाह मानचित्र। हम एक एक करके इन सबको विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले भौतिक मानचित्रों को देखते हैं। प्राकृतिक वातावरण के तत्वों का वितरण प्रदर्शित करने वाले मानचित्रों को भौतिक मानचित्र कहा जाता है। इसमें पहला है खगोलीय मानचित्र एस्ट्रोनॉमिकल मैप्स। इन मानचित्रों के द्वारा किसी निश्चित समय पर आकाश में नक्षत्रों नक्षत्रपुंजों निहारिकाओं ग्रहों तथा उपग्रहों की सिचुएशन को बताया जाता है। फिर अगला है समदिक्पाती मानचित्र।
इन मानचित्रों में समदिक्पाती रेखाओं आइसोगोनिक लाइंस खींचकर धरातल पर चुंबकीय दिक्पात का वितरण प्रदर्शित किया जाता है। किसी स्थान पर भौगोलिक उत्तर दक्षिण रेखा व चुंबकीय उत्तर दक्षिण रेखा के मध्यवर्ती कोण को उस स्थान का चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। भौतिक मानचित्रों में अगला है भूकंपीय मानचित्र। भूकंप अधिकेंद्र इपिसेंटर से भूकंपीय तरंगों सिस्मिक वेव्स का फैलाव प्रकट करने वाले मानचित्रों को भूकंपीय मानचित्र कहते हैं। यहाँ अधिकेंद्र क्या होता है इसको समझना होगा। जिस जगह से भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है उसे हम भूकंप मूल फोकस कहते हैं, जबकि जहाँ पर भूकंपीय लहरों का अनुभव सबसे पहले किया जाता है उसे भूकंप केंद्र या अधिकेंद्र इपिसेंटर कहते हैं। इन मानचित्रों के द्वारा भूकंप क्षेत्रों का वितरण एवं किसी प्रदेश में आए भूकंपों की संख्या व तीव्रता को भी प्रकट किया जाता है। अगला है भूवैज्ञानिक मानचित्र जियोलॉजिकल मैप्स। भूवैज्ञानिक मानचित्रों के द्वारा किसी क्षेत्र में शैल दृश्यांशों के वितरण शैल संस्तरों के नमन की मात्रा व दिशा विभंग रेखाओं एवं वलन अक्ष आदि को धरातलीय बनावट के साथ साथ प्रकट किया जाता है। उच्चावच मानचित्र रिलीफ मैप्स। धरातल की दशा प्रदर्शित करने वाले मानचित्र को उच्चावच मानचित्र कहते हैं। विषय वस्तु के अनुसार उच्चावच मानचित्रों के कई भेद होते हैं, जैसे सामान्य उच्चावच मानचित्र, भू आकृतिक मानचित्र, भू ढाल मानचित्र तथा समभूमि अनुपात मानचित्र। सामान्य उच्चावच मानचित्र में समुच्च रेखाओं आदि के द्वारा किसी क्षेत्र की समुद्र तल से वास्तविक ऊंचाई प्रकट की जाती है। भू आकृति मानचित्र में किसी प्रदेश के उच्चावच लक्षणों को चित्र में प्रतीकों के द्वारा स्पष्ट किया जाता है। इन मानचित्रों को आकृतिक मानचित्र भी कहा जाता है। भूढाल मानचित्रों में किसी क्षेत्र के धरातल का औसत ढाल अथवा अपेक्षित उच्चावच दिखलाया जाता है। जिन भूढाल मानचित्रों में औसत ढाल एवं अपेक्षित उच्चावच दोनों का साथ साथ प्रदर्शन होता है उन मानचित्रों को टोपोग्राफिक मानचित्र कहा जाता है। समभूमि अनुपात मानचित्र में ढाल के विचार से कृषि के लिए जोतने योग्य भूमि का वितरण प्रदर्शित किया जाता है। इसमें अगला है जलवायु व मौसम मानचित्र। किसी अपेक्षाकृत बड़े भूभाग में दीर्घकालीन औसत मौसम की दशाओं को प्रकट करने वाले मानचित्र को जलवायु मानचित्र कहते हैं। ये मानचित्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे औसत तापमान मानचित्र, औसत वर्षा मानचित्र, औसत वायुदाब मानचित्र आदि। इसके विपरीत मौसम मानचित्रों के द्वारा अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं को प्रदर्शित किया जाता है। विभिन्न देशों के मौसम विभागों के द्वारा बनाए गए दैनिक मौसम मानचित्र इस प्रकार के मानचित्रों के उदाहरण हैं। भौतिक मानचित्रों में अगला है मृदा मानचित्र। मृदा मानचित्र में किसी प्रदेश में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का वितरण प्रदर्शित किया जाता है। एग्रीकल्चर प्लानिंग के लिए ये मानचित्र बहुत ही आवश्यक एवं उपयोगी होते हैं। इसमें अगला है वनस्पति मानचित्र। प्राकृतिक वनस्पति जैसे वन, घास के मैदान तथा कटीली झाड़ियाँ आदि का वितरण प्रदर्शित करने वाले मानचित्र वनस्पति मानचित्र कहलाते हैं। इन मानचित्रों के द्वारा कभी कभी एक ही प्रकार की वनस्पति के विभिन्न प्रकारों जैसे वनों के प्रकार आदि को दिखलाया जाता है। भौतिक मानचित्रों में अगला है अपवाह मानचित्र। किसी प्रदेश के अपवाह मानचित्र में उस प्रदेश की मुख्य एवं सहायक नदियों के जाल एवं अपवाह तंत्रों ड्रेनेज सिस्टम को दिखलाया जाता है। अगला है महासागरीय मानचित्र। महासागरीय मानचित्रों में महासागरीय तली की बनावट, महासागरीय अवसादों का वितरण, महासागरीय धाराओं के प्रकार एवं दिशा तथा महासागरों में लवणता की मात्रा का वितरण प्रदर्शित किया जाता है। इसके अतिरिक्त नौसंचालन मार्गों को प्रदर्शित करने के लिए भी महासागरीय मानचित्र बनाए जाते हैं। अगला है जनसंख्या एवं बस्ती मानचित्र। जनसंख्या मानचित्रों के द्वारा जनसंख्या का वितरण, घनत्व, जनसंख्या वृद्धि, स्त्री पुरुष अनुपात, आयु वर्ग, जन्म व मृत्यु की दरें तथा जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना आदि को दिखाया जाता है। बस्ती मानचित्र में किसी नगर या ग्राम की बनावट या विन्यास तथा परिवहन मार्गों के जाल को प्रदर्शित किया जाता है। इन मानचित्रों के द्वारा किसी नगर के विभिन्न भूमि उपयोग कटिबंधों की अवस्थिति को भी प्रकट किया जाता है। अगला इसमें समाज सांस्कृतिक मानचित्र सोशल सोशियो कल्चरल मैप्स। धर्म, जाति, शिक्षा, भाषा, वेशभूषा, स्वास्थ्य, कला, मनोरंजन एवं पर्यटन आदि से संबंधित मानचित्रों को समाज सांस्कृतिक मानचित्र की संज्ञा दी जाती है। इसमें नेक्स्ट है राजनीतिक मानचित्र पॉलिटिकल मैप्स।
इन मानचित्रों में किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय व प्रशासनिक सीमाएं, राष्ट्रीय एवं प्रांतीय राजधानियों तथा अन्य प्रशासनिक केंद्रों को प्रदर्शित किया जाता है। ऐतिहासिक मानचित्र प्राचीन समय में भिन्न भिन्न राजा महाराजाओं के अधिकार क्षेत्रों, दुर्गों, आक्रमण मार्गों एवं ऐतिहासिक महत्व के नगरों को दिखलाने वाले मानचित्र ऐतिहासिक मानचित्र कहलाते हैं। नेक्स्ट इसमें सैनिक मानचित्र मिलिट्री मैप्स। सैनिकों के उपयोग हेतु बनाए गए ये मानचित्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे सामान्य मानचित्र, स्ट्रेटजिक मैप, टैक्टिकल मैप तथा फोटो मैप। ये सामान्यतः एक संबंधी 10 लाख की मापनी पर बनाए जाते हैं तथा इनमें केवल मुख्य मुख्य स्थल रूपों को ही प्रकट किया जाता है। अब लास्ट क्लासिफिकेशन है आर्थिक मानचित्र का। आर्थिक क्रियाकलापों से संबंधित मानचित्रों को आर्थिक मानचित्र कहते हैं। इसमें सबसे पहला है भूमि उपयोग मानचित्र, लैंड यूज मैप। इन मानचित्रों में किसी प्रदेश की भूमि उपयोग की विभिन्न श्रेणियों, जैसे वन, चरागाह, कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि तथा कृषि अयोग्य भूमि आदि के अंतर्गत क्षेत्रफल का विवरण प्रदर्शित किया जाता है। आर्थिक मानचित्र में नेक्स्ट है परिवहन मानचित्र। परिवहन मार्गों को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र परिवहन मानचित्र कहलाते हैं। सड़क मानचित्र, रेल मार्ग मानचित्र, वायु मार्ग मानचित्र तथा नौसंचालन चार्ट, नेविगेशन चार्ट आदि इस प्रकार के मानचित्रों के कुछ उदाहरण हैं। आर्थिक मानचित्रों में नेक्स्ट है कृषि मानचित्र, एग्रीकल्चर मैप्स। कृषि मानचित्रों के द्वारा किसी प्रदेश में विभिन्न प्रकार की फसलों के वितरण, फसलों की कोटि, फसल साहचर्य, कृषि दक्षता एवं वहन क्षमता आदि को प्रदर्शित किया जाता है। फिर अगला है खनिज मानचित्र। इन मानचित्रों में किसी प्रदेश के खनिज क्षेत्रों तथा खनन केंद्रों की स्थितियों को दिखलाया जाता है। आर्थिक मानचित्र में लास्ट है औद्योगिक मानचित्र, इंडस्ट्रियल मैप्स। औद्योगिक मानचित्र में किसी प्रदेश की औद्योगिक पेटियों, इंडस्ट्रियल बेल्ट्स एवं केंद्रों का विवरण प्रदर्शित किया जाता है। कभी-कभी इन मानचित्रों में किसी औद्योगिक केंद्र को प्राप्त कच्चे माल, श्रम एवं शक्ति के साधन के स्रोतों की स्थितियां तथा परिवहन की सुविधा को भी इंगित कर देते हैं। जैसे इस मानचित्र में भारत की 8 औद्योगिक पेटियों को दर्शाया गया है, जिसमें पहला है गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ रीजन, फिर है छोटा नागपुर का रीजन, हुगली औद्योगिक प्रदेश, गुजरात रीजन, मुंबई पुणे रीजन, विशाखापट्टनम गुंटूर रीजन, बेंगलोर तमिलनाडु रीजन, कोल्लम तिरुवनंतपुरम रीजन। ये भारत की 8 औद्योगिक पेटियां हैं। इस प्रकार के मानचित्रों को औद्योगिक मानचित्र कहा जाता है। रचना शैली के अनुसार मानचित्रों के प्रकार। रचना शैली के अनुसार मानचित्रों को दो प्रकारों में बांटा जाता है, गुणात्मक मानचित्र, मात्रात्मक मानचित्र। मात्रात्मक मानचित्रों को पुनः 4 भागों में बांटते हैं, वर्णमात्री विधि, समान रेखा विधि, बिंदु विधि, आलेखी विधि। इसी प्रकार गुणात्मक मानचित्रों को रंगारेख विधि, सामान्य छाया विधि, चित्रीय विधि, वर्ण प्रतीकी विधि, नामांकन विधि। वर्ण प्रतीकी विधि को पुनः 3 भागों में बांटते हैं, ज्यामितीय विधि, चित्रमय विधि, मूलाक्षर विधि। रचना शैली के अनुसार मानचित्रों के प्रकारों को हम नेक्स्ट लेक्चर में वितरण मानचित्र वाले चैप्टर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।